बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स लेक्चर। टुडे अगेन वी आर रिवाइजिंग हेयर चैप्टर सिक्स एंड द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फॉर्मूलाज। ओके, एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, एड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन विद लीनियर और क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर्स, चेंज द सब्जेक्ट और अ फॉर्मूला, यू हैव टू एबल द चेंज द सब्जेक्ट एंड द फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन अ फॉर्मूला। ओके, नाउ टुडे देयर इज चैप्टर लेक्चर 25, सो द टास्क इज ऑल्सो 25, टास्क मीन द होमवर्क। ये होमवर्क है क्लास सेवन आपके मैथ्स का, जो आपने होमवर्क कॉपी पे करना है, और ओनली टू पार्ट्स आर फ्रॉम चैप्टर सिक्स। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 6ab² / 7c मल्टीप्लाई विद 56ax² / 48bc। बी पार्ट इज 2a² / 3c डिवाइडेड बाय 3abc / 8c³। आपने इसको सॉल्व करना है ऑन होमवर्क कॉपी विच हैव बीन चेक्ड इन योर क्लासेस रेगुलरली। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा जी, ये जितना भी हम आपको रिवीजन करवाते हैं, दीज आर दी ओनली रिवीजन यू हैव टू डू ऑन रफ कॉपी, एंड दिस इज द टास्क विच यू हैव टू कम्प्लीट इट ऑन होमवर्क कॉपी। ये आपने होमवर्क कॉपी पे करना है, और ये सारा जितना रिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपको रिवाइज किया जा कराए जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर, रफ कॉपीज पर सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दीज फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से। सिंपली आप इसमें अपसाइड डाउन और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4d² / 3ef मल्टीप्लाई विद 27e² / 16d². ये क्वेश्चन था आपका, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 3 को आपने 27 से डिवाइड कर दिया, इधर 4 को आपने 16 से कर दिया। जरूरी नहीं होता कि आप स्मॉलर नंबर से करें, आप ग्रेटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई मसला नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन में आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब आपके पास रह गए सिर्फ वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें है d² e / ef मल्टीप्लाइंग विद 9e² / 4d². आप अपसाइड डाउन में ही जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं ये कैंसिल होती हैं, अगर सेम पावर है तो कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे d² है, यहाँ भी d² है, कि d² से कैंसिल हो गया। e है, एक 1e है हमारे पास, सिंगल e है, यहाँ पे e² में है, दो दफा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक e इसमें से कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ f है, पावर 1 है, यहाँ पे हमारे पास f की पावर 3 है, 3 - 1 कर देंगे हम, पावर से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे सिंगल e बच गया, यहाँ e/1 9ef² / 4। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको कंबाइन कर देना है, 9e² f² / 4 आंसर, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ये बच जाएगा, ये अब डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, ठीक है। सेम हेयर 9h³ s² / 4ky² मल्टीप्लाई विद 5k² y² / 12h² y। अब इसमें भी हम वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 और 5 नहीं होता, फिर 3 और 4 5 कुछ नहीं होता। सो अब हम यहाँ लिखेंगे 3h³ x² / 4ky² मल्टीप्लाइंग विद 5k² y² - 3। इसलिए हो रहा है कि h² इधर है और इसको हमने
कैंसिल करना है h के क्यूब से, h स्क्वायर को h ही की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। आप ग्रेटर वैल्यू अगर देखें, ग्रेटर पावर अगर न्यूमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में बचता है, और अगर ग्रेटर पावर डिनोमिनेटर में आती है ना तो डिनोमिनेटर में भी रिमाइंडर आता है। जरूरी नहीं है कि न्यूमिनेटर में ही आए, ऊपर वाली वैल्यू पे ही आए, आपके पास डिनोमिनेटर में भी आता है रिमाइंडर कभी कभी। अब वो क्या होगा, 3hx स्क्वायर बचेगा हमारे पास, h स्क्वायर और h क्यूब से माइनस हुआ तो 1h बच गया, x स्क्वायर एज इट इज बच गया क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में कहीं पे भी नहीं है। 5k y की 4 था तो यहाँ हमारे पास y एक सिंगल था और एक यहाँ 2 थे, 2 प्लस 1 3y हमने यहाँ से माइनस कर दिया और एक सिंगल y हमारे पास बच जाएगा। अब आंसर में क्या आएगा, hkx स्क्वायर y ये न्यूमिनेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ कॉन्स्टेंट 4 4 16। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। नाउ अगेन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, इसमें डिवाइड है, एक हमारा स्टेप एक्स्ट्रा होगा, वो क्या होगा कि जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपसाइड डाउन, कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको हमने कैंसिलेशन करनी है, ये 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 21 है 14 है, 7 से हम कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट इसको, यहाँ आ जाएगा 2 टू 4 और क्या हमारे पास बच जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिलेशन करने के बाद, ए एक्स वाई स्क्वायर ओवर 3c। क्वेश्चन नंबर 2 में 81 ए क्यूब एक्स क्यूब ओवर 16 बी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 63 ए एक्स स्क्वायर ओवर 24 बी स्क्वायर वाई क्यूब। अब अगेन यू हैव टू चेंज द डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई एंड देन यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन अपसाइड डाउन, 63 ए एक्स स्क्वायर नीचे चला गया, 24 बी स्क्वायर वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कैंसिलेशन कर दी 81 और 63 की, 7 के टेबल 9 के टेबल से 9 9s are 81 एंड 9 7s are 63, 16 और 24 है, इसको हमने कर दिया 2 से 8 से, 8 2s are 16 एंड 8 3s are 24। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें, आप ग्रेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया 9 और 3 न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 और 2 आ जाएगा, 7 और 2 14 आ जाएगा, सारे वेरिएबल्स कट हो जाते हैं और जो रह जाएंगे वो हम आंसर में लिख देंगे, 9 3 27 ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ओवर 14 आंसर। ओके, जो न्यूमिरेटर में वैल्यूज बचती हैं वो न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होके आती हैं, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल्स की जितनी भी पावर्स बचती हैं वो हम आंसर में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम आंसर में लिखते हैं उसको। ठीक है, एंड दिस इज द टास्क विच यू हैव डन ऑन होमवर्क कॉपी लाजमी तौर पर, जो बच्चे नहीं करेंगे उनके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पता है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स के और ऑनलाइन होमवर्क के सब चीजों के मार्क्स मिले थे, इस दफा भी मिलेंगे। Be careful and do the homework regularly. Allah Hafiz. Thank you.